Ram Shankar Katheria has stirred up quite a controversy by giving a hate speech in Agra. If Karthik Chidambaram was a hot topic in Parliament today, then the issue related to Katheria was not far behind. Smriti Irani's deputy Ram Shankar Katheria is in trouble. Both houses of the parliament witnessed repeated disruptions over Katheria's remarks. Katheria at a personal level claims that reports about him making an inflammatory speech in Agra were completely untrue. According to reports, Katheria along with BJP MP from Fatehpur Sikri, Babu Lal had recently attended a condolence meeting held for VHP worker Arun Mahawar, who was reportedly killed by a Muslim youth in Agra. During the meeting, several speakers threatened Muslims of revenge. जो चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, जानते हैं राजनीति करेंगे, राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन इस सीमा तक जाएंगे ये संविधान हमारा इजाज़त नहीं देता है। तो सीमा में रह के राजनीति करते हैं, लेकिन ये सीमा पार की है और इसलिए इनको तत्काल इससे हट जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वैसी फिलॉसफी रही है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाज को धर्म के आधार पर बांट के और अपना राजनीतिक लाभ उठाया और वही फार्मूला लागू करना चाहते हैं। Opposition parties have also moved privilege motion against Education Minister Smriti Irani over her remarks on the death of Hyderabad student Rohit Vemula and the JNU controversy. Mayawati-led Bahujan Samaj Party or the BSP moved the privilege motion in the Rajya Sabha. A decision on the motion is awaited. मंत्री अखाड़े चला रहा है, जो है लोगों के अंदर फिरका परस्ती के, बंदूक के, गोली के मारने की बात कर रहा है, अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहा है कि अगर मुझे मंत्री पद से किसी ने हटाना है तो हटा दे, मैं इसी एजेंडे पर चलूँगा। तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। या तो नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान अमित शाह जी, इनकी शय पर ये हो रहा है। अगर इनकी शय पर हो रहा है तो राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। Sources says that PM Modi is likely to respond on the opposition's attack on various issues when he replies to the motion of thanks on President's address in the Lok Sabha tomorrow. सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मंत्री पद पर बैठे हुए जिम्मेवार व्यक्ति को इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करना ये बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदा के लायक है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि संबंधित मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बेहतर तो यही होगा यदि सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे और हिंदू मुल्क के अंदर सब लोग सुरक्षित रहें, अमन चैन का वातावरण बना रहे, तो प्रधानमंत्री जी से हमारा ये कहना है कि वो इनको अपनी सरकार से बर्खास्त करें। Powered by NNIS